आप इस वक्त यहाँ? आपकी आंखों में आंसू? सब ठीक तो है ना भाई साहब? कुछ ना, वो बचपन की तस्वीर तैर गई थी आंखों में। तुझे यूं मुस्कुराते हुए सुकून से सोते हुए दिखाना तो मन ने लगा जैसे तू मरी छोटी सी लाडो बन गई है। फिर से मैं ना तुझे हमेशा ऐसे ही मुस्कुराते हुए सुकून से बेखौफ देखना चाहता हूँ। तो फिर भाई साहब, मेरा ब्याह करके मैंने अपने आप से दूर क्यों करना चाहते हैं? ऐसा मत करो ना। ओ मारी लाडो, यो देख, यो जो रक्षाबंधन बांधा ना तूने मरी कलाई पे, ये हम दोनों को हमारी आखिरी सांस तक जोड़े रखेगा। मैं तुझे कभी अकेला होने नहीं दूंगा, और तू तो हमेशा हमारे दिल में रहेगी ना, और मैं तारे दिल में। और तू यो बात भी जान ले कि थारा पैसा कभी तुझ पर कोई दुख, कोई तकलीफ, कोई आंचना नहीं देगा, चाहे जो हो जाए। पर मैं ना जाऊंगी आपको छोड़ के, मुझे तो आपके पास ही रहना है। दीपक ज्योति जैसा बंधन, तेरा मेरा रक्षा बंधन। दीपक ज्योति जैसा बंधन, तेरा मेरा रक्षा बंधन। प्यारी दादी को मेरा बहुत बहुत प्यार। कहिए दादी साहब। कुछ ना लिखा, ये तो कोरा कागज है। दादी साहब मेरी बात तो सुनिए आप। ना छोड़ो, आज थारी दादी सा बोलेगी और तू सुनेगा और दादी सा की बात भी मानेगा। देख छोड़ा, झूठ और जुर्म की उम्र लंबी ना होवे। जब पाप का घड़ा भर जावे है ना, तो पैरों तले से जमीन भी अपने आप खिसक जावे है। मैं जानू चकोरी के कहने पे तू कुछ ऐसा काम करने जा रहा है जिसकी वजह से तू पाप के दलदल में फंस जावेगा। मारी बात मान छोरा, वो मूंग और चकोरी के पाप में कम से कम तू तो भागीदार ना बन। और मां, लाडे सर बेटा, तू कोई गलत काम नहीं कर रहा है। तुझे जो काम सौंपा गया है वो अच्छी तरह से कर। दादी सा को मैं संभाल भी लूंगी और समझा भी दूंगी, ठीक है बेटा? क्यूरी, थारे को तो पाप करने से ना रोक रही हूँ ना मैं, फिर क्यों चिरमिरा रही है? कम से कम हमारे बेटे और लाड़े सर के कान में ये मैल ना भर। अम्मा जी, उन दोनों के हाथ तो पहले से मैले हो चुके हैं। आप एक काम कीजिए, अपने दोनों हाथ ना अपने मुंह पे रखिए और चुप रहिए। अगर आप चाहते हैं कि वो दोनों जेल और फांसी के फंदे से दूर रहे, ठीक है? अरे सुनहरी, हवन की तैयारियां शुरू हुई कि नहीं?
सुई सो और पेट कुई सो। कमाल है ये औरत, इतने पाप करने के बाद भी ऐसे जी रही है जाने कुछ हुआ ही ना। पर वो लोमड़ी जाने ना है कि जब ऊपर वाले की लाठी पड़ती है ना तो बेआवाज पड़ती है। याद रखना चकोरी, एक दिन तेरी कमर पे भी वो लाठी गिर के रहेगी। अब आप दोनों आहुति करिएगा। शिवा, ना मैंने कभी शादी को माना ना ही इस रिश्ते को। तू मेरी जिंदगी पे लगा वो दाग है जिसे आज मेरा पीछा छूटेगा। मुझे खुशी है कि आज के बाद तेरा मनहूस चेहरा मैं कभी नहीं देखूंगी। तेरी पहुंच से बहुत दूर जा रही हूं मैं।